نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. कसरत से दुरूद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अफजल दिनों में से जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहि सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई, इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इस दिन सब लोग बेहोश होंगे। इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। कहते हैं, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारा दुरूद आप पर किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? तो आपने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अम्बिया के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, यानी फरिश्तों के जरिए आप तक दुरूद पहुँचाया जाता है। अम्बिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, सही सलामत होते हैं उनके जिस्म। सूरत अल कहफ पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुमे तक नूर रोशन रहता है। गुस्ल करना। हर बालिग पर जुमा के लिए जाना जरूरी है और हर वो शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना जरूरी है उस पर गुस्ल है, यानी उसको लाजमी गुस्ल करना चाहिए, अल्लाह ही की कोई मजबूरी हो तो। आप अपना स्केड्यूल इस तरह बनाए ना कि जैसे अगर आप हर रोज नहाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं तो आप फिर इस तरह स्केड्यूल करें कि जैसे आप मंडे को नहाए, फिर वेडनेसडे को नहाए, फिर जुमे को नहाए, फिर आप सैटरडे संडे अगर नहीं भी नहाते फिर मंडे, तो इस तरह आप जुमे को मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि जुमेरात को नहा के जुमा को छोड़ दिया या जुमा छोड़ के हफ्ते को नहाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा ने गुस्ल के हुक्म के बारे में इख्तलाफ किया। बाज़ तो कहते हैं ये वाजिब है, यानी फर्ज के दर्जे में, और जम्हूर उलमा ये कहते हैं कि मुस्तहब है, पसंदीदा है, अफजल अमल है। हदीस में आता है, जिसने जुमे के दिन वजू किया उसने अच्छा किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफजल है। सफाई में मुबालगा होती है ना, वीकली सफाई आपको करनी होती है, यानी जैसे नाखून वगैरह काटते हैं या फिर अपने जायद बाल वगैरह उतारते हैं, तो ये सब चीजें अगर जुमे के दिन हो तो ज्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुसल करे, अच्छी तरह संवार कर वजू करे, अपने बेहतरीन लिबास में से पहने, यानी जुमे के दिन बाकी दिनों के निस्बत अच्छा लिबास पहने, अल्लाह ने उसकी किस्मत में घर वालों की जो खुशबू लिखी हो वो लगा ले, यानी घर में जो भी खुशबू है, फिर जुमा पढ़ने आए तो लफ काम न करे, दो आदमियों के दरमियान जुदाई ना करे, यानी दो लोग बैठे उनके बीच में घुस के बैठ जाए। इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान के पूरे हफ्ते के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर मिसवाक करना। जुमे की सुन्नतें बताते हुए आपने फरमाया, और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। अच्छा लिबास पहनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिए अपने काम काज के कपड़ों के अलावा दो कपड़े और बना रखने में क्या हरज है? स्पेशल ड्रेस रखे जो जुमे जुमे को ही पहन ले। खुशबू लगाना, यानी खुशबू लगाए, हदीस में आता है चाहे वो औरत की खुशबू से हो, यानी आपकी अपनी नई बीवी की खुशबू पड़ी हो वही लगा लो, लेकिन लगाओ। तेल लगाना। जो शख्स जुमा के दिन गुसल करे और जिस कदर मुमकिन हो पाकीजगी हासिल करे और अपने तेल में से तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगाए, फिर निकले के दो आदमियों के दरमियान तफरीक न करे, जितनी मुकद्दरा नमाज पढ़ ले और जब इमाम बात करे तो खामोश रहे। इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जुमा का वक्त। सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना। सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना, अव्वल वक्त जुमा पढ़ना, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। इयास बिन सलामा बिन अकवा अपने वाले से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़कर वापस लौटते थे तो दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे अपने आप को साया मुहैया किया जा सके, यानी अभी सूरज बहुत थोड़ा ढला होता था। हाँ, गर्मी की शिद्दत में ताखीर की इजाजत है। मस्जिद में दाखला। मस्जिद की तरफ जल्दी निकलना। तहियतुल मस्जिद अदा करना। अमर बिन दीनार कहते हैं, उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हुए सुना कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ी? उसने कहा, नहीं। तो आपने फरमाया, खड़े हो, दो रकतें पढ़ो। अब ये बड़ा अहम मसला है, मस्जिद में दाखिल हो चाहे खुतबा हो रहा हो, दो रकत पढ़े बगैर ना बैठो, ठीक है? और ये क्या है? दरअसल तहियतुल मस्जिद। ये जुमे की सुन्नतें नहीं है, ये क्या है? तहियतुल मस्जिद है। और मुख्तसर पढ़ी जाए,
यानी इमाम जब खुतबा दे रहा हो तो चाहिए कि दो रकतें पढ़े और दोनों में इख्तिसार करे। नमाज से कबल हल्का बनाने की मुमानत, मसलन आप जल्दी चले गए तो ये नहीं कि एक ग्रुप बना के आप उसमें गपशप शुरू कर दें, नहीं सीधे ही लाइनों में बैठिए। इंतजार का वक्त कैसे गुजारेंगे, नफल पढ़ के बैठ गए, जिक्र अजकार करें, किबले की तरफ रुख करके लाइनों में बैठे, हल्का नहीं बनाए, बैठ के खरीदो फरोख्त नहीं करें, ताखीर से आने पे गर्दने फलांग के ना आगे जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक लगा के मत खाओ, याम एक अदब बताया, इस तरह टेक लगा के नहीं खाओ, खाने के वक्त सीधे हो जाओ, छने हुए आटे की रोटी ना खाओ, मैदा मस्जिद में कोई जगह मुकर्रर ना करो कि ये मेरी जगह है, आप क्यों आज यहाँ खड़ी होगी, कि तुम उसी में ही नमाज पढ़ो। कुछ लोग होते हैं ना आके मखसूस जगह ही पढ़ते हैं, अगर कोई और वहां डिस्टर्ब हो जाता है। और जुमा के दिन लोगों की गर्दने ना फलांगो, वरना अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन लोगों के लिए पुल बना देगा, क्योंकि बहुत अजियत की बात है ना, बैठे हैं लोग बाकायदा बाजों का कंधों पे हाथ रख के इसको तंग कर उसको तंग कर, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको उठना भी पड़ गया बीच में तो वापसी पे पीछे खड़े हो जाइए, अगली लाइन मिल जाएगी। जी ये तो बहुत जरूरी बात आपने की कि जब लोग मस्जिद आए तो पहले पहली सफ में बैठे, यानी पहली छोड़ के आखिरी में बैठ जाएं और फिर लोग उनकी गर्दने पलांगते रहें, दूसरों के लिए फितना बनना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, वो करीब आकर बैठने के लिए लोगों के ऊपर से गुजरने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, तहकीक तुमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई और देर से आए। ये अरबी के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, इजलिस फकद आज़ईता व आनईता, कितनी जामे ज़बान है ये, इजलिस फकद आज़ईता, तूने अज़ियत दी, व आनईता और देर से आए, तो इससे मना किया गया। किसी को उसकी जगह से ना उठाना। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स जुमा के दिन अपने भाई को खड़ा ना करे कि फिर दूसरी तरफ से आकर उसकी जगह पे खुद बैठ जाए, बल्कि जो आए वो कहे जगह कुशादा करो, हमारे लिए भी जगह बनाओ, ये कहे। खुतबा जुमा और उसके आदाब, खुतबा जुमा की अहमियत, जब अजान हो जाए तो क्या करे इंसान, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, तो मस्जिद में जमात तो नहीं हो रही होगी, पहले क्या हो रहा होगा, खुतबा हो रहा होगा। इमाम के खुतबे से पहले सलाम करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर चढ़ते तो हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहते, इमाम का खड़े होकर खुतबा देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते फिर बैठ जाते, फिर खड़े होते और खड़े होकर खुतबा देते, यानी बीच में थोड़ा सा बैठ भी जाते थे। जिसने तुम्हें ये खबर दी कि आप बैठ कर खुतबा देते थे तो तहकीक उसने झूठ बोला, बस यकीनन अल्लाह की कसम मैंने आपके साथ 2000 से ज्यादा नमाजें पढ़ी है, यानी दिन में बहुत से जुमे भी आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इमाम का दो खुतबे देना, यानी खड़े थे पहले फिर जरा बैठ गए फिर दूसरी दफा उठे, तो ये दो खुतबे हो गए। मुख्तसर खुतबा देना, आपके खुतबा चंद कलिमात हुआ करते थे, बहुत लंबी तकरीरें नहीं, आपका खुतबा दरमियाना होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी का नमाज को लंबा करना और खुतबे को मुख्तसर करना उसकी समझदारी की अलामत है। बस नमाज लंबी करो, खुतबा मुख्तसर करो, क्योंकि बाज बयान जादू जैसा असर रखते हैं, यानी थोड़े भी बात करोगे तो दिल में चली जाएगी, नमाज पे ज्यादा तवज्जो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबे में सूरत काफ पढ़ना, हारिसा बिन नौमान की बेटी से रिवायत है, कहती है कि मैंने सूरत काफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफ्ज कर ली, आप हर जुमे को खुतबे में पढ़ा करते थे। सामईन का इमाम की तरफ रुख करना, यानी जुमे के दिन ये नहीं कि आप कुर्सी लगा के किसी और तरफ मुंह करके बैठ जाए और जब जमात हो तो फिर सफ में खड़े, नहीं आप सफ में बैठे हो किस तरफ हो किबला रुख हो, इमाम सामने ही होगा ना किबले की तरफ। एक साहबी कहते कि जब आप मिंबर पे चढ़ते तो हम अपने चेहरों के साथ आपकी तरफ मुतवज्जे होते, इधर उधर नहीं देखते थे खुतबे के दौरान। इमाम के करीब बैठना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र में हाजिर हुआ करो, यानी खुतबा में, और इमाम के करीब बैठा करो, बेशक आदमी दूर होता रहता है हत्ता कि वो जन्नत में भी पीछे ही होगा अगरचे वो इसमें दाखिल भी हो जाए। ताखीर की इतनी मजम्मत है। खामोशी से खुतबा सुनना, यानी बात नहीं करनी चाहिए, कोई अहम बात भी नहीं पूछनी चाहिए। इब्ने मसूद से रिवायत है कि उन्होंने उबई इब्ने काब से कुरान की किसी आयत के बारे में सवाल किया जबकि अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने एराज किया और कोई जवाब न दिया। फिर जब आपने नमाज पढ़ाई तो उबई कहने लगे तुम्हारा जुमा ही नहीं हुआ, तो इब्ने मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया उबई ने सच कहा,
कोई बात करने की इजाजत नहीं, ये कहने की भी कि चुप हो जाओ ये भी इजाजत नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते कि जब इमाम जुमा के लिए आ गया फिर तुम्हारा अपने साथी से ये कहना कि खामोश रहो लगवियत के लिए काफी है, ये भी लग बात है। कोई लग हरकत ना करना, कंकरियों से ना खेलना, फोन से नहीं खेलना, मैसेजेस चेक नहीं करना, उंगलियों में उंगलियां डाल के पटाखे नहीं बजाना, गोट मार के नहीं बैठना। गोट मार के कैसे बैठते हैं? घुटने ऊपर करके और यूं ऐसे घुटनों के गिर्द हाथ डाल के। कई दफा ऐसे नजर आता है कि खुतबे में लोग इस तरह बैठे होते हैं क्योंकि पता नहीं है, यानी आप चौकड़ी मार सकते हैं। आप सबसे अफजल पोजीशन तो ये है कि जैसे नमाज के अत्तहियात में हम बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग उस तरह बैठ नहीं सकते, चलो कुर्सी भी बैठ जाए। अगर कुर्सी नहीं है नीचे बैठे हैं तो चौकड़ी मार के बैठ जाए, टांगे इस तरह पेट के साथ लगा के घुटनों पर हाथ को बल दे के इस तरह नहीं बैठे। अगर मजबूरी है तो वो और बात है, लेकिन ये कि बिला वजह नहीं करना चाहिए क्योंकि अदब के खिलाफ है। ओंग आने पर जगह बदलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जुमा के दिन किसी को मस्जिद में ओंग आने लगे तो अपनी उस जगह को दूसरी जगह से बदल ले। क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना खुतबे के वक्त बड़ी सकीनत होती है और आखिरी खुतबा तो आप नींद में ही सुनते हैं। नमाज जुमा की रकात दो रकत है फर्ज, बस जुमा की नमाज दो रकतें हैं और इन दोनों में किरात होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे में सब बिस्म रब्बिकल आला और हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते। कभी जुमा और ईद इकट्ठे हो जाते तब भी दोनों नमाजों में यही सूरत पढ़ते थे, ठीक है। इसी तरह सुबह की नमाज में जुमे के दिन अलिफ लाम मीम तंजील और हल अता अल इंसान की किरात करते और नमाज जुमा में सूरतुल जुमा और मुनाफिकीन की तिलावत करते, यानी ये भी मिलता है। फर्ज के बाद दो रकात पढ़ना, अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज को बयान किया और कहा कि आप जुमे के बाद कोई नफल नमाज नहीं पढ़ते थे हत्ता के वापस तशरीफ ले जाते, फिर अपने घर में दो रकत पढ़ते थे। अब जो लोग घर नहीं जाते तो फिर वहीं पर वो पढ़ लेते हैं, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नतें वगैरह घर में पढ़ते थे। और इसी तरह चार भी पढ़ी जा सकती, दो भी है चार भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई जुमा पढ़ चुके तो उसके बाद चार रकतें पढ़े, ये आपका हुक्म है। तो जब आपका दो चीजें होती है समझने के लिए, एक आपका फेल होता है और एक आपका हुक्म होता है, तो हमारे लिए क्या है जो आपका हुक्म हो। जुमे के बाद कोई और नमाज पढ़ने से पहले गुफ्तगू करना, यानी सुन्नत पढ़ने से पहले गुफ्तगू करना। अस्मा बिन मालिक से एक मरफूअन रिवायत है कि जब तुम में से कोई आदमी जुमा की नमाज पढ़े तो उसके बाद उस वक्त तक कोई नमाज अदा न करे जब तक किसी से कलाम न करे या उस जगह से निकल ना जाए। पहले मना था, कोई ना कोई बात कर लेनी चाहिए, नहीं समझ आई? यानी जुमा पढ़ लिया आपने और फिर किसी से आप सलाम दुआ कर लें, उसके बाद सुन्नत पढ़े या नफल जो भी, ठीक है। और घर जाना तो घर जाके पढ़े, और अगर घर नहीं जाना काम पे जाना तो उधर ही पढ़ के चले जाए। कितना प्यारा है हमारा दीन कि इतना लंबा भी चुप का रोजा नहीं रखवाया। बिल्कुल आसिम से रिवायत है, वो अबू किलाबा से नकल करते हैं, मैंने उनके साथ जुमा की नमाज पढ़ी, जब मैंने अपनी नमाज पूरी कर ली उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरी जगह पर खड़े हुए और मुझे अपनी जगह पे खड़ा किया। वो जब हम चेंज करते हैं ना जगह, वो उसकी बात हो रही है। यानी जुमे के बाद कोई और नमाज पढ़ने से पहले बात भी कर लेना, जगह भी तब्दील करना। लेकिन अगर कुछ लोग पहले से ही आपकी सुन्नतें शुरू कर चुके और कोई चेंज करने वाला नहीं तो फिर पढ़ लीजिए। यानी ये मुस्तहब आमाल है, इनमें ऐसा नहीं कि कोई गुनाह लाजम हो जाएगा, लेकिन अफजल ये है, अफजल से अजर ज्यादा हो जाता है। जुमा के दीगर अहकाम, एक रकत पाने पर भी जुमा अदा हो जाता है, यानी अगर किसी को रश मिल गया, पार्किंग नहीं मिली और एक रकत में भी पहुंच गया तो जुमा हो गया। इमाम से दुआ का कहना, अनस कहते हैं कि एक साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के